जो मजा पूल में है वो कहीं नहीं है भाई। कितनी पब्लिक है यार, सब एक मोहल्ले की पब्लिक है ये। ओ भाई विशाल नाम है, ये देखिए अभी आ चुकी है पकौड़ी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं शेजवान 27 व्लॉग्स। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आजकल हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, तो जैसे कि सब लोगों को नहाना है गर्मी में, और ज्यादातर लोग जो है ना, मतलब ज्यादातर पब्लिक स्विमिंग पूल ढूंढती है, मतलब पूल ढूंढती है, पूल कहाँ पर है, पूल आसपास है या नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हूँ संभल से, और संभल के अंदर पूल है काफ़ी सारे, लेकिन मुझको एक ही पूल अच्छा लगता है जो साफ सुथरा पूल है, जिसके अंदर पानी हैंड टू हैंड चलता रहता है एडवांस, वो है सैफखां सराय वाला स्विमिंग पूल। तो हम उस पर ही आए हैं, मेरे साथ एक मेरे मामू का लड़का और एक मेरा फ्रेंड। तो मैं आया हूँ अभी यहाँ पर फिलहाल पूल पर ही, तो अभी नहाएंगे। और इतनी गर्मी हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता दूँ तो, और आज भी इतनी तेज़ की धूप है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज 43 डिग्री है, शायद 43 डिग्री है आज। तो अभी हम इसके अंदर एंट्री भी करेंगे, टिकट भी लेंगे, टिकट पूछेंगे इस साल का क्या टिकट है, पिछले साल का तो 30 रुपीज़ था। तो अभी फिलहाल अंदर एंट्री करते हैं गाइस। ये देखिए ये है कुछ एंट्री गेट, तो अभी टिकट लेते हैं। ये रहे भाई, भाई टिकट कितने का है? 40 रुपये। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो 40 का हो गया, तो हमारे लिए भी 40 का ही है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार। तो ये कैंटीन कब से ओपन हुई है भाई? एक महीना हो गया। तो पहले तो मतलब यहाँ पकौड़ी अकोड़ी मिलती थी? पकौड़े भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लोकर वगैरह कितना का है, मतलब कोई लेना चाहे तो? 20 का है गाइस, जगह 20 का है। तो कुछ चेंज भी हुआ ना इसमें? हाँ, कुर्सी कुर्सी लगा भी है लेटने की, तो काफी कुछ चेंज हो चुका है। तो अपने साथ ये दोनों है, ये रहे। तो फिलहाल भैया से 3 टिकट लेते हैं, एक लोकल लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फ्रेश पानी है एकदम। फिलहाल यहाँ से अभी मैं टिकट लेता हूँ, फिर अंदर की साइड चलते हैं। गाइस अभी हमने टिकट वगैरह ले लिया है, तो अभी 40 रुपीज़ का मिला है हमें, पहले 30 रुपीज़ का था। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे, और मैं आपको बता दूँ 40 रुपीज़ के हिसाब से बिल्कुल टिकट ठीक है। ये चेक करो आप कितना फ्रेश पानी है इसका, एकदम फ्रेश पानी है। मेरे साथ की हो तो पता नहीं कहाँ चलेगा, वो अंदर ही चलेगा शायद। तो अभी फिलहाल अभी हम भी चलेंगे अंदर की साइड। ये देखिए कुछ आप लोग क्या मस्त है, ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाई थी फ्लाइट। और ये भी ना गाइस, ये पहले से ही है वो, लेकिन वो अलग है, वो पहले नहीं था। काफी कुछ इसमें चेंज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, मेरा ना वहाँ जाने का प्लान बनना था वाटा ऑफ वंडर, तो लेकिन मैं यहाँ पर ही आ गया, क्योंकि मेरे साथ के जो होते हैं वो बोल रहे थे भाई वहाँ ही चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत फ्रेश होता है। तो अभी अंदर ही चलते हैं। और वो रहा अपना भाई नबील। ये चेक करो आप, ये भी पहले नहीं था, अभी लगा है ये भी, तो काफी मस्त लग रहा है ये लगा हुआ। वो रहा अपना भाई नबील। नबील कैसे है भाई? वो रहा भाई, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देख क्या मस्त व्यू है भाई। अभी ना हमको कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, दो सब्सक्राइबर मिले हैं, तो मिलवाता हूँ मैं आपको। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो देखी है नहीं? देखी है, तो बाकी सब ठीक है। तो अभी आप फिलहाल कब आए थे यहाँ पर? 2-2.5 घंटे हो गए। तो मज़ा आ रहा है आपको? इन्जॉय चल रहा है फुल? कैसे हो भाई? बढ़िया हो? ब्लॉग देखते हो हमारे? देखें कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर ना एक बात तो है, यहाँ मैं जब भी आता हूँ 5-6 सब्सक्राइबर मेरे मिल ही जाते हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो यही इसमें खास बात है, सब्सक्राइबर यहाँ मिल ही जाते हैं। तो बस यहाँ से अभी कुछ ही देर में थोड़े बहुत हल्के हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर को ही चलते हैं नहाने के लिए। अभी काफ़ी लोग कम हो गए हैं। कैसे हो भाई? बस नहाएंगे भाई, सोच रहा हूँ थोड़े बहुत हल्के हो जाए फिर जाऊंगा अंदर। शेजवान सरताज, कब आए थे भाई आप? कब आए थे भाई? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मजा आ रहा है या नहीं भाई? फुल मजा करो भाई। समर वेकेशन में आए थे, स्कूल की छुट्टी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब तक हो आप यहाँ पर भाई? 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक भाई, इंजॉय करो फुल। और आप लोग बताओ, आप लोगों में से कौन कौन दिल्ली से है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। कैसे हो भाई? और भी लोग वगैरह देखते हो या नहीं? देखे आपने? देखे भाई कैसे लगते हैं भाई? कुछ कमी होया करे तो बता दिया करो कमेंट में गाइस। अभी ना ये भाई कुछ कर दिखाएंगे भाई। क्या कर दिखाओगे अभी? पट्टी मारोगे गाइस? अभी पट्टी मारेंगे भाई, सब लोग हंस रहे हैं भाई। करके दिखाओ एक बार भाई, एक बार बस। बीड़ी पीते पीते जाओगे क्या भाई? बीड़ी तो फेंक दो। फेंक दी बीड़ी? ये देखो भाई, ओवे भाई क्या मस्त किया है भाई ने, मजा ही आ गया। आप कैसे हो भाई?
चढ़ सकता हूँ अभी। गैस ये भाई हैं, तो अभी ये भाई ना पूरा ये पार करके दिखाएंगे वहाँ तक। तो भाई करके दिखा सकते हैं आप? तो स्टार्ट करिए फिर। तो अभी वहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, तो अभी हम यहाँ ही रुक जाते हैं बस बीच में ही, ठीक है? क्योंकि यहाँ से भाई हमें दिखेंगे अंदर ही अंदर आते हुए। भाई स्टार्ट करो। तो कूद गए भाई, अब जंप लगा दिया भाई ने। तो भाई तो दिख ही नहीं रहे, अंदर की साइड है। अरे कहाँ गए भाई? उसको लगता है गायब हो गए अंदर ही अंदर। आने वाले होंगे अंदर। कहाँ आ गए यार? अब क्या हो गया भाई? देखा हो भाई, एक भाई कहाँ गए? ओ भाई आज तक किसी ने मेरे सामने वहाँ से लेकर वहाँ तक कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इन भाई ने पार कर दिया है। इन भाई से पूछते हैं जी, आपने कैसे किया भाई? कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। टाइम हो गया, मैं तो हटा हुआ भाई यहाँ पर। बहुत टाइम हो गया। आप भी कर देंगे? आपसे नहीं आता। कितना कर देंगे आप? ऐसे तो भाई कोई भी कर देगा यार, ऐसे करो यार लंबा लंबा। भाई कितने मिनट का सांस है आपका? सांस ऐसे नॉर्मली पता तो नहीं है, लेकिन ऐसे दो भी लगा चुके हैं। भाई यार काफी लंबा है भाई का सांस। आप लोगों ने देखा भाई अंदर ही अंदर यहाँ तक आ गए और एक भी जगह नहीं दिखे, और ये रहे सब लोग भाई। तो सब देखते हैं भी लोग हमारा जी। अभी ये भाई ना एक और चीज कर दिखाएंगे भाई। क्या करोगे अभी फिलहाल? सामने से आएंगे, हमें पट्टी मारेंगे। ये सामने से आएंगे, आपको पट्टी मारेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं क्या करते हैं। ओ भाई ये तो फाइटर वाली हो गई पटकी आपकी। ज्यादा पब्लिक नहीं है, बस मैं ही हूँ और 10-5 लोग और हैं। कभी नहाते हैं हम आराम के से। तो गाइस काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, आप लोग भी आइए कभी। वो जो मजा पूल में है वो कहीं नहीं है। अभी ना टाइम ना बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी हम घर ही चल रहे हैं। तो भाई लोग बैठे हैं, तो चलते हैं अभी घर की साइड ही। मैंने सोचा तो एक ब्लॉग यहाँ का हो जाता है, तो बस इसलिए आया था। तो ये भाई लोग भी यहाँ ही आ रहे थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना ही देता हूँ सैप का सर आएगा। और मैं आपको बता दूँ फ्लाइट वगैरह पे तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि यार इस पे ना कमर छिल जाती है पूरी। एक बार मेरे साथ हो चुका है, पहले मैं फ्लाइट पे चले गया था, तो मुझको बहुत डर लग रहा है। डरते डरते मैं चले गए फ्लाइट पे, और भाई मैं आपको बता दूं जो मेरे चोट लगी थी ना इस पे बहुत ज्यादा, तो फिर मैं इस पर कभी नहीं गया। तो इसलिए नहीं जा रहा, नहीं तो मैं जाता फ्लाइट पर। ये रही मस्त बाइक अपनी, तो इसको बाद को लेंगे। तो पहले चलते हैं सामने पकौड़ी खाने के लिए। भाई ऑटो भर के जा रहे हो क्या सब? ऑटो में ही आए थे? भाई कितनी पब्लिक है यार, सब एक मोहल्ले की पब्लिक है ये। तो कल भी लोग देख लेना भाई, आ जाएगा। शुक्रिया भाई। तो सामने चलते हैं अभी पकौड़ी खाने के लिए हम। गाइस पकौड़ी खाते हैं, तो देखते हैं यहाँ की पकौड़ियों का टेस्ट कैसा होता है। क्या करते हैं आप? अच्छा घूमने आए थे। आपका नेम क्या है भाई? चंचल। चंचल नेम है आपका? मैं तो पहली बार आया हूँ वहाँ पे। अच्छा तो आप कहाँ से हैं? मैं तो हसनपुर से हूँ। हसनपुर। आपका नेम क्या है? मैं विशाल नाम है मेरा। विशाल भाई बातों बातों के चक्कर में ब्लॉग ही बनाना भूल गया, और पकौड़ी भी खत्म हो गई, और आप लोगों को दिखाना भी भूल गया। तो बस यही बची है, तो खाते हैं अभी फिलहाल इनको ही यार। गाइस अभी हमने ना पकौड़ी वगैरह खा ली है, तो बस अभी हम घर ही जा रहे हैं। ये रहे भाई लोग, तो अभी घर ही चलते हैं। तो गाइस मैं ब्लॉग के एंड यहाँ पर ही करता हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।